हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, दिवाली हो चुका है खत्म और अब आ चुका है छठ पूजा। और अभी आपको मेरा बैकग्राउंड देखकर पता चल गया होगा कि मैं हूँ अभी अपने गांव पे। तो मैं भी आई हूँ गाइस अपने फैमिली के साथ यहाँ पे छठ पूजा सेलिब्रेट करने। तो छठ पूजा वैसे तो बिहार में बहुत ज़्यादा ही अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है और मैं भी बिहार से ही हूँ। तो गाइस, इस वीडियो में दिखाऊँगी हाउ आई सेलिब्रेट छठ पूजा विथ माई फैमिली। तो मैं अपनी फैमिली के साथ किस तरह से छठ पूजा सेलिब्रेट करती हूँ और किस तरह से इंजॉय करती हूँ। तो गाइज, ये ब्लॉग मैं सेकेंड डे से शूट कर रही हूँ क्योंकि फर्स्ट डे कोई रीज़न की वजह से मैं और मम्मी साथ में नहीं थे, ट्रैवल रीज़न की वजह से। तो इसके वजह से ये ब्लॉग मैं सेकेंड डे से शूट कर रही हूँ। गाइज, आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा और मेरा पूरा ब्लॉग वॉच करिएगा। तो गाइज, आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रसाद बनना शुरू हो चुका है जो कि बेसिकली होता है खीर और रोटी। तो यहाँ पे मिट्टी के चूल्हे पे ही हम लोग को सारा प्रसाद बनाना होता है क्योंकि इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा शुद्धता के साथ किया जाता है। इस फेस्टिवल में शुद्धता बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे हैं, यहाँ पे रोटियाँ बन रही हैं। आज के दिन खीर और रोटी का ही प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो गाइस, मम्मी ने यहाँ पे खरना पूजा शुरू कर दिया है। तो आप देख सकते हैं इसके आगे। तो मम्मी ने कर लिया यहाँ पे खरना पूजा कंप्लीट और अब हम लोग सब कोई मिलकर एक एक कर हुमांस करेंगे और थोड़ी देर के बाद प्रसाद खाएंगे। तो गाइस, छठ पूजा का डे टू का ब्लॉग होता है एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।